हम में से बहुत से लोगों के मन में एक या सवाल आता है, क्या इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी लोक के अलावा और भी कई लोक हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है या उन तक पहुंचा जा सकता है? स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक आदि लोक कैसा होता होगा? वहां के लोगों का जीवन कैसा होता होगा? क्या बहुत ही सुंदर होता होगा पृथ्वी लोक के अलावा? क्या और भी लोक है? हमारे इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि हम ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजों को नहीं देख सकते और ना ही सुन सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यह बात साइंस ने भी मानी है। उदाहरण के तौर पर कहते हैं, ब्रह्मांड में हर एक चीज गतिमान है, हर एक पिंड की अपनी एक आवाज है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पर हम अपने कानों से कई आवाजें नहीं सुन सकते। हमारे कई दिन, कई साल दूसरे ग्रहों के एक दिन के बराबर हैं, लेकिन हम मनुष्य सभी ग्रहों का हिसाब अपनी पृथ्वी के हिसाब से ही निकालते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल जैसे पिंडों पर तो समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ब्लैक होल जैसे पिंडों को हम अपनी आंखों से तो देख भी नहीं सकते। अब कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जो दिखता है वही होता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक यह बात मान लेते तो ब्लैक होल जैसे पिंडों की तो खोज भी नहीं होती, क्योंकि ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं आता, इसीलिए वह अदृश्य रहता है। तो वैज्ञानिक ब्लैक होल की खोज कैसे करते हैं? बहुत सारे ब्लैक होल पिंड किसी अदृश्य एक अवस्था में क्यों घूमते रहते हैं? कौन है जो सभी पिंडों को अपनी ओर बांधे रखता है? बस इसी से होती है ब्लैक होल की खोज। इसी प्रकार ब्रह्मांड में ना जाने ऐसे कितने अनगिनत रहस्य हैं, जिन्हें हम यांत्रिक तरीकों से भी खोज नहीं सकते। यह बात सच है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा और ना जाने कितने लोक हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान द्वारा उन लोकों तक नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा जरूर पहुंचा जा सकता है। कई महान ऋषि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण जीवित रहते हैं, अन्य लोकों में जाने में सफल भी हुए हैं। हर प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार उन्नति और अवनति होती है कि वह किस लोक में जाएगा। पृथ्वी से अन्य लोकों में जाने तक आत्मा को उस लोक के अनुसार एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। अब कई लोक होने का अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान तो एक ही निश्चित लोक और एक ही निश्चित स्थान पर ही रहते हैं। भगवान तो हर जगह हैं। कई लोकों के अर्थ में हम भगवान के आकार और सगुण गुण की चर्चा करते हैं। वैकुंठ अत्यंत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर रहने वालों का जीवन भी अत्यंत ही सुंदर है, इतना सुंदर कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ पर पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ में किसी भी प्रकार की निष्क्रियता, निराशा, हताशा और दरिद्रता आदि नहीं है। अगर वैकुंठ का शब्दिक अर्थ लगाएं तो वह है जहां कुंठा ना हो, लेकिन वैकुंठ की व्याख्या के लिए यह शब्द पर्याप्त नहीं है। तो आइए जानते हैं, गोलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक, सतलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ध्रुवलोक, पृथ्वीलोक, गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। इन सभी लोकों में वैकुंठ लोक, शिवलोक और गोलोक हमारे ब्रह्मांड में
या आयरन में मौजूद नहीं है। बाकी सभी सतलोक तक के लोग हमारे इसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। देवताओं और ब्रह्मा जी की भी आयु भले ही अत्यंत लंबी है, लेकिन उनका भी जीवन काल सीमित है। लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु आदि अनंत और अविनाशी हैं, और इनके लोकों में जाने वाले लोग भी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं या अपनी मर्जी से पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं, यानी उनके बंधन समाप्त हो जाते हैं। आखिर पृथ्वी लोक से कितनी दूर है वैकुंठ लोक? अगर हम पृथ्वी से वैकुंठ लोक तक की दूरी का अंदाजा लगाएं, तो कहते हैं यह लगभग 4,10,000,000,000,000 करोड़ किलोमीटर है। और अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम पृथ्वी से वैकुंठ लोक की यात्रा पर निकलें, तो हम चाहे कितना भी तेज चलें, फिर भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 साल से भी अधिक का समय लग सकता है। कैसा है वैकुंठ लोक? वहां का जीवन वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं। वैकुंठ लोक में सभी मणियों से जड़े मकान, महलों और वाहन सुशोभित हैं। यहाँ हर तरफ सुंदर महल बने हुए हैं। वैकुंठ में अपना मकान बनाने वाले लोग इन मकानों के बीच हर तरह के सुख सुविधाओं से पूर्ण तरह से सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। वैकुंठ लोक सूर्य लोक, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता है, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा जवान और सुंदर दिखाई देते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग मेरा ध्यान करते रहते हैं, साथ ही मृत्यु के समय भी मेरा ही ध्यान करते हैं, वह लोग मोक्ष प्राप्त कर पूरी तरह से मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। वैकुंठ लोक के मध्य भाग में श्री भगवान विष्णु का स्थान है, जहां पर भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति माता लक्ष्मी के साथ में रहते हैं। जैसे हमारे देश के राजा के दर्शनों के लिए हमें कई प्रयास करने पड़ते हैं, वैसे ही वैकुंठ में रहने वाले लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शनों के लिए प्रयास करना पड़ता है। और वहाँ के लोगों के भीतर किसी भी प्रकार का पाप या घृणा का लेश मात्र नहीं है। भगवान विष्णु का अंतःपुर, भगवान विष्णु के नगर के बीचों बीच यह अंतःपुर में ही निवास स्थान है। यहाँ सुंदर मणियों से युक्त है। महल के चारों तरफ सुंदर स्त्री और पुरुष अपने अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। जो सूर्य की तरह प्रकाशमान है, इसी अष्टदल पुष्प कमल पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के रूप और सुंदरता का वर्णन इस प्रकार किया गया है, जैसे रामचरितमानस में माता सीता और श्री राम जी का किया गया है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। भगवान विष्णु के द्वार के द्वारपाल और पार्षद भगवान विष्णु के नगर के चार द्वार हैं। पूर्व द्वार के चंट प्रचंट, पश्चिम द्वार के जय विजय, उत्तर द्वार के धाता विधाता, दक्षिण द्वार पर भद्र सुभद्र का पहरा रहता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु के अनगिनत पार्षद और भगवान के सहायक निवास करते हैं। इनमें 16 पार्षद मुख्य हैं। भगवान विष्णु की एक ही पत्नी है श्री लक्ष्मी जी, वेदों के अनुसार भूदेवी, श्रीदेवी, विमलाज्ञा आदि महालक्ष्मी जी के ही अन्य नाम पर्यावाची हैं। शक्ति लक्ष्मी और सरस्वती के जितने पर्यावाची नाम हैं, वे सभी माँ दुर्गा के ही नाम हैं। इसी तरह से सीता, राधा, रुक्मणी, पद्मा आदि लक्ष्मी जी के ही अलग अलग रूप हैं। मोक्ष क्या है? वैकुंठ में अपनी जगह बनाने को ही मोक्ष कहते हैं।
वैकुंठ में स्थान मिलने पर बार बार मृत्यु और जन्म से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पहुंचकर आत्मा एक नया दिव्य शरीर प्राप्त कर लेती है। मोक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, जिनका अर्थ भी अनेक नाम के अनुसार ही होता है। शौचिया मोक्ष, जिसमें जीव भगवान में ही विलीन हो जाता है। सालोक्य मोक्ष, जिसमें जीव को वैकुंठ में ही स्थायी निवास मिल जाता है। सालोक मोक्ष, जिसमें जीव को भगवान विष्णु जैसा ही रूप मिलता है। सृष्टि मोक्ष, जिसमें जीव को भगवान विष्णु जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मोक्ष के यह सभी प्रकार वैकुंठ में ही अलग अलग पद हैं, अर्थात वैकुंठ में जीव को अपने अपने अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग पद प्राप्त होते हैं। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव कहते हैं। जीव को भगवान में ही विलीन हो जाना जीव को भगवान की तरह ही बना सकता है। कुछ विशेष लोगों को ही अन्य लोकों में आने जाने की शक्ति प्राप्त है, जैसे नारद जी, अश्वनी कुमार, सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर चुके आरसी और परम भक्त जैसे ध्रुव, प्रहलाद जैसे वैकुंठ तक पहुंचने के लिए देवताओं को भी पुण्य कर्म और तप करने पड़ते हैं। वैकुंठ में अपना निवास कैसे बनाएं? इस सवाल का जवाब भागवत गीता में और रामचरितमानस में दिया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही कलयुग पाप और अवगुणों का घर है, लेकिन उसमें एक और यह गुण है कि बिना किसी परिश्रम के ही सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।